मुझे नहीं लगता ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से कुछ बेनिफिट होगा, उल्टा मुझे तो लगता है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आने से। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट के एक नए अपडेट के बारे में, जो कि है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को लेकर। दोस्तों वैसे तो फ्लिपकार्ट ने ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का कंसेप्ट कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, और मैक्सिमम कैटेगरीज के सेलर्स को फ्लिपकार्ट ने बोला है कि उनको वन साइडेड ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को यूज़ करना है अपने ऑर्डर्स को पैक करने के लिए। कुछ कैटेगरीज के सेलर्स को जो कि सेंसिटिव और प्राइवेसी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि इनरवियर और सैनिटरी पैड्स, उनको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को यूज नहीं करना है। अब फ्लिपकार्ट ने ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में एक ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया है एक नए फीचर अलर्ट के बारे में, जो कि ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को लेकर है। और अगर आप उस ईमेल को पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने मेनली चार चीजें बताई हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट बताया है कि क्यों सेलर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग यूज करना चाहिए। सेकेंडली उन्होंने ये बताया है कि सेलर को कैसे पता चलेगा कि उसको अपने ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है या फिर नहीं करना है। तीसरा उन्होंने ये बताया है कि कैसे सेलर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को ऑर्डर कर सकता है। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने यह भी बताया है कि अगर सेलर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को यूज नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को लेकर। तो बिना देरी करें वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बेनिफिट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग यूज करने का जो एक मेजर बेनिफिट हम सेलर्स को मिलने वाला है, वो है कि जो रिटर्न ऑर्डर आपको आते हैं ना, उसमें जो मिसिंग आइटम वाला इशू रहता है सेलर को, मतलब देखो मेनली ना ये चीज आप कोरियर रिटर्न के रेस्पेक्ट में देखो कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट भेजा अपने ऑफिस से और वो कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ और कोरियर रिटर्न के फॉर्मेट में सेलर को वापस मिल गया। अब ऐसे केसेस में कस्टमर तक तो डिलीवर हुआ नहीं है, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का यूज करोगे तो जहां पर पिकअप बॉय आपके ऑफिस से पिकअप करके ले जा रहा है, तो उसको वन साइड ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के थ्रू ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें प्रोडक्ट सेलर ने भेजा है। अब अगर रिटर्न में प्रोडक्ट नहीं होता है पैकेट में, यानी कि मिसिंग आइटम होता है, तो इमीडिएट बेसिस पर सेलर जब रिटर्न रिसीव करेगा उसको उस बारे में पता चल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से ये बेनिफिट होगा, और ऐसे केस में जो फ्लिपकार्ट है वो कोरियर पार्टनर को पेनलाइज करेगा और सेलर का कोरियर रिटर्न वाला जो क्लेम है वो इमीडिएट बेसिस पर अप्रूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेलर के जो मिसिंग आइटम वाले रिटर्न है वो काफी कम हो जाएंगे, और यही एक मेजर बेनिफिट है जो कि सेलर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से यूज करने से होने वाला है। ये फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट फ्लिपकार्ट ने ये बताया है कि सेलर को कैसे पता चलेगा कि उसको अपने ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है या फिर नहीं करना। तो इसके लिए ना फ्लिपकार्ट ने पैनल पर अपडेट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मेनली तीन तरीके हैं जिससे कि सेलर को पता चल सकता है कि उसको अपने ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है या फिर नहीं है। और इसको जानने के बाद आप भी जब कल से ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जब ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर ना पेंडिंग लेबल वाले टैब में आपके ऑर्डर पड़े हो, या फिर पेंडिंग आरटीडी वाले टैब में पड़े हो, या फिर पेंडिंग हैंडओवर वाले टैब में पड़े हो, वहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है ऑर्डर टैग्स का, और उसके नीचे ड्रॉप डाउन रहता है। आप ऑर्डर टैग वाले ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करोगे तो वहां पर एक फिल्टर होगा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का। तो जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग वाले फिल्टर पे क्लिक करोगे, अपने आप ही सारे ऑर्डर जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे और आपको पता चलेगा आपको किन सभी ऑर्डर्स में ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग यूज करनी है। तो अगर आपको इकट्ठे पता करना है कि कौन-कौन से ऑर्डर्स में आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग लगानी है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का यूज करना है, तो ऑर्डर टैग वाले फिल्टर का आप यूज करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड तरीका है जो कि फ्लिपकार्ट ने हमें सजेस्ट किया है जिससे कि सेलर पता कर सकता है, तो देखो आपको पता है जो आपका ऑर्डर रहता है उसकी जो डिटेल्स लिखी रहती हैं, तो राइट हैंड साइड पे ना विजिट आइकन बने रहते हैं।
राइट हैंड साइड पे विजिट आइकन बने रहते हैं, आप इमेज देखकर समझ गए होंगे। तो वहीं पर अब एक और विजिट आइकन आ जाएगा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का, अगर आपका वो ऑर्डर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आपको पैक करना होगा तो। तो देखो आप इमेज से समझ गए होंगे, अगर इस तरीके का विजिट आइकन आपके ऑर्डर्स के सामने भी आपको दिख रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ही पैक करना है। और इसके अलावा तीसरा तरीका जिससे कि सेलर को पता चल जाएगा कि उसको वो ऑर्डर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है, वो है शिपिंग लेबल पर अब ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग जो है वो लिखा रहेगा। जैसे आपको ध्यान होगा जब फ्लिपकार्ट ने ग्रीन पैकेजिंग वाला कंसेप्ट लाया था और सेलर्स को मैंडेटरी बोला था कि ग्रीन पैकेजिंग ही आपको यूज करना है, तो वहां पर शिपिंग लेबल पर ही लिखा रहता था ग्रीन पैकेजिंग, तो जिससे कि सेलर को पता चल जाता था कि उसे इस ऑर्डर को ग्रीन पैकेजिंग में ही पैक करना है। अब इसी तरीके से लेबल पर लिखा रहेगा यूज ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग, जिससे कि सेलर को पता चल जाएगा कि उसे इस ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ही पैक करना है। तो मेनली तीनों ही तरीके से सेलर पता कर सकता है कि उसको कौन कौन से ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो फ्लिपकार्ट ने ईमेल पर नोटिफाई किया है कि सेलर्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को कहां से खरीदे, तो वही सेलर जो है फ्लिपकार्ट के ऑथराइज वेंडर से ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को खरीदे। अब मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आपको ईमेल पर भी लिंक आया होगा, तो वहां से आप फ्लिपकार्ट के जो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है वहां उसको ऑर्डर कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट का स्ट्रिक्टली कहना है कि आप फ्लिपकार्ट के ऑथराइज वेंडर से ही ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को खरीदें। देखिए हो सकता है आप अभी अपने लोकल मार्केट से पैकेजिंग मटेरियल को खरीदते हो, तो आप देखिएगा, मैंने देखा ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के रेट्स बहुत ज्यादा नहीं है फ्लिपकार्ट के ऑथराइज वेंडर के। तो अगर आप फ्लिपकार्ट का जो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है वो परचेज करने वाले हैं, तो आप ऑथराइज वेंडर से ही परचेज कर सकते हैं। बस यहां पर मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही खरीदिएगा, मतलब ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर लें और कल को फ्लिपकार्ट का कुछ नया अपडेट आ जाए, क्योंकि फ्लिपकार्ट पैकेजिंग को लेकर बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स लाता रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब इतना स्टॉक कर लीजिएगा कि महीने भर का आपका स्टॉक आप एक बार में ऑर्डर कर दो, लेकिन उससे ज्यादा आपको ऑर्डर नहीं करना है। और लास्ट फ्लिपकार्ट ने मेल पर यह भी इन्फॉर्म किया है कि अगर सेलर से बोला जाता है कि उसे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक करना है और सेलर ऐसा नहीं करता है, तो एक तो इससे पिकअप रिजेक्शन हो सकता है, यानी कि एफीस को गाइड कर दिया जाएगा कि अगर पैकेट पर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग लिखा हुआ है और सेलर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में पैक नहीं करना है, तो जो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके पैकेट को लेने से मना कर सकते हैं, तो पिकअप रिजेक्शन हो जाएगा, साथ ही साथ वो आपका एसपीएफ क्लेम जो है वो भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर सेलर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ऑर्डर को पैक नहीं करता, तो फ्लिपकार्ट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, चाहे वो एसपीएफ क्लेम ब्लॉक कर सकता है या फिर वो पिकअप रिजेक्शन कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ऑर्डर्स पर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का विजेट बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में अगर आपको उसे पैक करना है, तो आपके पास सफिशियंट पैकेजिंग मटेरियल ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने अभी आपको अपडेट दिया है वो फ्लिपकार्ट ने जो ईमेल के थ्रू हम सभी सेलर्स को नोटिफाई किया है, मैंने अभी उसके बारे में बताया है। अब मेरा क्या ओपिनियन है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को लेकर, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मुझे ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, मुझे नहीं लगता ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से कुछ बेनिफिट होगा, उल्टा मुझे तो लगता है ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आने से और ज़्यादा आपकी रिटर्न्स में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। क्योंकि आप खुद ही सोचो, पहले जो प्रोडक्ट पिकअप बॉयज को नहीं दिख रहा था, अब वो प्रोडक्ट पिकअप बॉयज को दिखने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर किसी कोरियर पार्टनर के किसी भी एग्जीक्यूटिव को चोरी करनी ही होगी आपके प्रोडक्ट में से, तो वो तो कर ही लेगा ना। मतलब आप, हो सकता है कि आइटम मिसिंग नहीं होगा रिटर्न में, डेफिनेटली आइटम मिसिंग वाले इश्यूज कम हो जाएंगे, लेकिन आइटम चेंज वाले इश्यूज बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप मान के चलिए एक टी शर्ट कैटेगरी के सेलर हैं, आप टी शर्ट रख के भेजते हैं, ठीक है, अब हो सकता है जब रिटर्न आए आपको उस पैकेट का, तो टी शर्ट आपकी बदल जाए या कोई और अपैरल आ जाए। तो ऐसे केसेस मेरे हिसाब से अब ज्यादा हो जाएंगे ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग से। मुझे ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग वाला जो सॉल्यूशन है वो मुझे नहीं लगता ज्यादा वर्क करेगा। बाकी आप सेलर्स बताइएगा कि आप कितने टाइम से ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को यूज कर रहे हैं, और क्या ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग आने के बाद आपको कुछ रिटर्न्स में बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ, आप प्लीज कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। मुझे पर्सनली इससे कुछ बेनिफिट नहीं लग रहा होने वाला है, लेकिन देखिए फ्लिपकार्ट का अपडेट है, हमें फ्लिपकार्ट पर सेल करना है तो उनकी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो
आप कुछ मटेरियल स्टॉक कर लीजिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ लिमिटेड स्टॉक ही आप बाय कीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बाय मत कीजिएगा, जिससे कि अगर कल को कोई फ्लिपकार्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है जैसे कि पिकअप रिजेक्शन है या फिर SPF क्लेम ब्लॉक है, तो आप अपने एंड से ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में ऑर्डर को प्रोसेस कर सकें। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।